एक बात तो मैं समझ गया हूँ गाइस, आप लोगों को मेरी एंड्रॉइड ट्रिक्स की वीडियोस बहुत पसंद आ रही है, और आए भी क्यों ना, ट्रिक्स अच्छी होंगी तो पसंद भी जरूर आएंगी। वेल, ये वाली वीडियो भी हमारी एंड्रॉइड टिप्स ट्रिक्स एंड एंड्रॉइड एप्स की सीरीज का एक कैरी ऑन एडिशन है, जिसमें मैं आप लोगों को आज एंड्रॉइड की कुछ ऐसी सीक्रेट एंड यूजफुल एप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको इस वीडियो को लाइक करने पर मजबूर कर देगी, ट्रस्ट मी। और हो सकता है कि आपको इतना मजा आए कि आप कॉमेंट भी कर दो। तो चलो यार, बेसब्री की इस खीर में जल्दी से चम्मच घुसेड़ते हैं। सो हे देयर एंड्रॉइड यूजर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज किंकर, यू गाइस आर वॉचिंग टिप टॉप टेक। Without wasting any more time, let's check out these super surprising apps. अगर आप Google के Android 11 पे हो रहे काम को follow कर रहे हो, तो आपको इसके early developer preview में मिलने वाले एक feature के बारे में पता होगा, जो कि है back tap gestures. Android के इस double tap gesture से आप अपने Pixel device के back side में tap करके कई सारी functionalities को trigger करवा सकते हो, जैसे कि back side में double tap करके camera app को launch कर लो, या फिर media playback को control कर सकते हो, या फिर अपनी मन मुताबिक कोई भी activity आप इसमें customize कर सकते हो। ये feature कितना amazing और useful है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। The good news is कि आप इस gesture को almost सभी Android device में use कर सकते हो, thanks to XDA Developers Forum member Kyron Queen. Kyron ने एक ओपन सोर्स ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है टैप टैप। ये ऐप सेम मशीन लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है जो गूगल ने यूज़ किया है इन जेस्टर फीचर्स को बनाने में। इस ऐप को मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के 3-4 डिवाइसेज में ट्राई किया है, एंड कमिंग आउट विद नो सरप्राइज, ये जेस्टर्स लो एंड डिवाइसेज में भी काफ़ी एक्यूरेटली काम कर रहा है। इस ऐप के अंदर आप सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हो, मीनिंग अगर आप सेंसिटिविटी को हाई कर दोगे तो बहुत हल्के टैप्स को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे नॉर्मल सेंसिटिविटी पे ही रखो, क्योंकि नॉर्मल मोड में भी ये टैप जेस्टर्स मिस नहीं होते हैं। इस ऐप को ओपन करके सबसे पहले आपको इसकी एक्सेसिबिलिटी सर्विस को इनेबल करना होगा और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल करना होगा। अब इस ऐप के सबसे मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि है एक्शंस। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ से आप इस डबल टैप जेस्टर के एक्शन को असाइन करोगे। एड एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। लॉन्च मोड के अंदर आप किसी भी ऐप को लॉन्च करवा सकते हो, या फिर कोई कस्टम शॉर्टकट को आप यहां से एक्टिव कर सकते हो। यूटिलिटीज के अंदर रीचेबिलिटी का ऑप्शन है, जिससे रनिंग ऐप स्प्लिट स्क्रीन मोड में रिसाइज हो जाता है। अगर आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हो और किसी ऐप के टॉप पोर्शन तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्विकली डबल टैप करके आप इसे रिसाइज कर सकते हो। एक्शंस के अंदर आपको स्क्रीनशॉट, क्विक सेटिंग्स, वॉल्यूम कंट्रोल, स्प्लिट स्क्रीन, म्यूजिक कंट्रोल और भी बहुत सारे एक्शंस मिल जाएंगे, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को एक अलग ही दिशा में ले जाएगा। मतलब सोच के देखो, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो और अगर आपको कोई पोस्ट पसंद आई, आपको बस अपने फोन के पीछे डबल टैप करना है और ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। बताओ, इससे आसान और क्या हो सकता है। वैसे गाइस, इंस्टाग्राम से याद आया यार, तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो यार। YouTube पे लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर होने को हो गए और Instagram पे अभी तक 10,000 फॉलोअर्स भी नहीं हुए, तो प्लीज़ यार इसको 10,000 कर दो, Instagram पे मुझे फॉलो कर दो। ये जो मेरा यूज़र नेम है ये डिस्प्ले पे शो हो रहा है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके लिंक दे दूंगा, तो जब भी आप इन ऐप्स को डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लीज़ यार मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के। और YouTube पे भी अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है ना, उसे ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको मेरे हर फ्यूचर अपलोड्स की जो नोटिफिकेशन हैं वो मिलती रहेंगी। फिर से लौटते हैं इस ऐप में। तो एक्शन में जो चौथा फीचर है ये है एडवांस्ड। अब इस एडवांस्ड मोड में आप किसी भी टास्कर इवेंट या फिर टास्कर टास्क को रन करवा सकते हो। जिन लोगों को टास्कर के बारे में नहीं पता, वो लोग मेरी प्रीवियस एंड्रॉइड मॉडिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, पर पहले ये वाली वीडियो पूरी देख लेना। तो कोई भी टास्कर टास्क या फिर इवेंट लॉन्च करने के लिए आपके फ़ोन में टास्कर ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं टास्कर ऐप में गया और इस ऐप में आके सबसे पहले इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको जाना है प्रेफरेंसेस में, और यहाँ से आपको अलाउ एक्सटर्नल एक्सेस को चेक कर देना है। अब टास्क में आके मैं एक टास्क क्रिएट कर लेता हूँ, इसे कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे कि कैम। अब इन एक्शन कैटेगरीज में से मैं कोई भी एक सिंपल एक्शन चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मीडिया, और इसके अंदर जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक अ फोटो। अब इस एक्शन को भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे फाइल नेम मैंने डेट के अकॉर्डिंग सेट कर ली, नेमिंग सीक्वेंस को सीरीज में डाल देते हैं, इमेज रिजोल्यूशन मैं मैक्स पे सेट कर देता हूँ, फ्लैश को भी मैं ऑटो पे रख रहा हूँ। तो बस मैंने ये टास्क इस टास्कर ऐप में क्रिएट कर लिया है। अब मैं सिंपली टैप टैप ऐप के अंदर जाऊँगा और इसके एक्शन में जाके, एडवांस में जाके, मैं इस टास्कर के कस्टम टास्क को लिंक कर दूंगा। यानी अब अगर मैं अपने फ़ोन के बैक साइड में डबल टैप करता हूँ तो ये मेरे बैक कैमरा से ऑटोमेटिकली एक पिक्चर कैप्चर कर लेगा। इसी तरह के कई सारे कस्टम टास्क आप टास्कर में कंपोज करके उन्हें इस जेस्टर से रन करवा सकते हो। अगर आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ फीमेल वॉइस में प्रैंक करने के बारे में सोचा है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई मैजिक कॉल। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने पिछले 4 दिनों में पूरा इंटरनेट छान मारा, पर मैजिक कॉल से अच्छी कोई ऐप नहीं मिली मुझे एंड्रॉइड के लिए, जिससे आप कॉल पे इतनी रियलिस्टिक तरीके से वॉइस चेंज कर पाओ। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको 2 सेक्शंस मिलते हैं। पहला है वॉइसेस,
जिसमें आप मेल फीमेल या बाकी सारी पिच में अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। दूसरा है बैकग्राउंड्स, जिसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं जैसे कि रेन ट्रैफिक वगैरह, यानी अगर आप इनमें से कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट करके कॉल करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि सच में बारिश हो रही है या फिर आप ट्रैफिक में फंसे हो। डेमो के लिए मैं एक कॉल कर रहा हूँ फीमेल वॉइस में, और हाँ, कॉल करने से पहले आप एक बार अपनी आवाज़ को यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हो। तो चलो मैं आपको इस ऐप से हुई एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, कौन? भूल गए, आप ही तो मुझे अपना नंबर दिया था। मैंने कब नंबर दिए? अरे वो पर्ची पे लिख के आपने नंबर नहीं फेंके थे मुझे? अच्छा अच्छा, आप से बोल रहे हो? हाँ मैं वही बोल रही हूँ। मुझे तो लगा ही नहीं कि आप मुझे कॉल करोगे। उस दिन रसोड़े में कौन था? ये मैंने अपने एक फ्रेंड को प्रैंक किया था। तो जैसे कि आपने सुना, इस ऐप ने मेरी इस भारी आवाज़ को भी बहुत ही क्लोज टू फीमेल वॉइस में चेंज कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा लहजे से बात करोगे तो सामने वाला डेफिनेटली सोचेगा ये कोई बंदी है। इस ऐप में पहली बार रजिस्टर करने पे आपको कुछ फ्री क्रेडिट मिलता है, पर उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, पर इस ऐप के डेवलपर काफ़ी दयालु हैं, जिन्होंने मुझे स्पेशली आप लोगों के लिए डिस्काउंट कूपन दिया है। तो अगर आप मेरी लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ 70 रुपये के सब्सक्रिप्शन प्लान में 300 क्रेडिट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया डील है। ये डील सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, और अगर आप एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते और फ्री में क्रेडिट्स अर्न करने के लिए, आप इस ऐप को अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो, जिससे आपको अप टू 50 रुपीज़ का स्क्रैच कूपन मिल जाएगा। इस तरह से आप बिना कोई पैसे खर्च किए इस ऐप से फ्री में कॉल्स कर सकते हो। अब अगर फीमेल वॉइस में भी प्रैंक करके आपका जी नहीं भरा तो नेक्स्ट ऐप है SMS एंड कॉल बॉम्बर। इस ऐप से आप किसी भी नंबर पे कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड ऑटोमेटिक SMS एंड कॉल्स कर सकते हो। इस ऐप के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, यानी कि आपको अपना फ़ोन नंबर या फिर कोई भी पर्सनल डिटेल इसमें डालनी नहीं पड़ेगी। इस ऐप में आपको दो मोड्स मिलेंगे, SMS बॉम्बर एंड कॉल बॉम्बर। SMS बॉम्बर में आपको यहाँ पे वो नंबर डालना है जिस पे आप SMS भेजना चाहते हो, उसके बाद आप एक स्पीड चूज कर लो कि आपको ये मैसेज कितने जल्दी भेजना है। अब काउंट में एक नंबर डाल दो जितने मैसेज आपको भेजने हैं, या फिर अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे तो ये एक सेशन में टोटल 350 मैसेज सेंड करेगा एक के बाद एक, और 350 मैसेज का एक सेशन खत्म होते ही आप दोबारा फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। अब बॉम पे क्लिक करते ही टारगेट नंबर पे एक के बाद एक SMS आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और इन SMS का कोई पर्टिकुलर सेंडर नहीं है, फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट मिंत्रा किसी भी सेंडर नेम से ये OTP वाले SMS भेजता रहेगा। तो ये एक फन ऐप लगी मुझे, बट दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, डोंट यूज इट फॉर टेकिंग रिवेंज, ऐसा इस ऐप में लिखा हुआ है। मतलब ये तो वही बात होगी कि भैया मैं टिकटॉकर हूँ पर क्रिंज कॉन्टेंट नहीं बनाता। SMS के अलावा आप इस ऐप से किसी भी नंबर पे मल्टीपल कॉल्स भी करवा सकते हो। SMS की तरह इसमें कॉलर ID बिल्कुल रैंडम होगी, आपको बस नंबर डालना है और उस नंबर पे रैंडमली किसी भी नंबर से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह का कोई प्रैंक करोगे तो हो सकता है वो भी आपके साथ सेम चीज़ करें। तो इस चीज़ से भी बचने का उपाय है इस ऐप के अंदर, आपने बस प्रोटेक्ट लिस्ट में जाके अपना नंबर डाल देना है और प्रोटेक्ट मी पे क्लिक कर देना है। बस आपका नंबर प्रोटेक्ट हो जाएगा और कोई भी आपको इस ऐप से SMS या फिर कॉल्स नहीं भेज पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस ने एक गिव अवे प्लान किया है iPhone 12 के लिए। आपको बस इस नए iPhone का वेट गैस करना है एंड द क्लोजेस्ट पर्सन कैन विन द प्राइज। एक पर्सन एक दिन में अनलिमिटेड एंट्रीज डाल सकता है। iPhone 12 रिलीज होते ही मोबाइल ट्रांस के ऑफिशियल फेसबुक पे विनर्स के नाम अनाउंस हो जाएंगे। वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप एक फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो और क्लाउड बैकअप से डेटा को रिस्टोर भी कर सकते हो बहुत ही ईजिली सिर्फ एक क्लिक करके। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस गिव अवे और एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है और अप टू 40% डिस्काउंट कूपन भी है। तो वैसे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये कोई घातक ऐप नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा काम की एप्लीकेशन है। तो आप में से जो भी लोग म्यूज़िक स्ट्रीम करते हैं उनको पता होगा कि आपको किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए पहली बात तो सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है। ऊपर से जो कंटेंट आप सुन रहे हो, चाहे वो कोई सॉन्ग हो गया या फिर कोई एक्सक्लूसिव एल्बम हो गई या फिर पॉडकास्ट हो गया, तो ऐसे में ये जो कंटेंट होता है इसके लिए एक्सक्लूसिवली आपको उसी प्लेटफॉर्म पे जाके सुनना होता है जहां के लिए वो एक्सक्लूसिव है। तो ऐसे में आपको मल्टीपल ऐप्स रखने पड़ेंगे पहली बात अपने फ़ोन में, आप स्विच करते रहोगे उनमें से और आपको डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेने पड़ेंगे अलग अलग ऐप्स के, जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूज़िक, गाना हो गया, सावन, iTunes वगैरह। तो इन सभी का मेरे पास एक बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन मिला है। इस ऐप का नाम है वाई म्यूज़िक। ये जो ऐप है ये स्पॉटिफाई, यूट्यूब, iTunes और इन सब का कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसा कोई गाना नहीं है जो आप इसके अंदर सर्च करोगे और आपको नहीं मिलेगा, आपको पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिव एल्बम्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अब इस ऐप की जो खासियत है वो ये है कि पहली बात तो ये पूरा फ्री है, मतलब इसमें आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। दूसरी बात, इसमें जो गाना वगैरह आप सुन रहे हो उसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड भी आप हाई क्वालिटी में कर पाओगे, और जो भी
यू नो सॉन्ग आप डाउनलोड करोगे वो सीधा आपके यू नो लोकल स्टोरेज मीडिया में सेव हो जाएगा, यानी कि वहां से आप उसे मूव करके अपने कंप्यूटर में भी डाल सकते हो या फिर डिफरेंट डिवाइस को शेयर भी कर सकते हो या फिर अपने किसी दूसरे यू नो म्यूजिक प्लेयर में भी उसे रन कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी। सॉन्ग्स की तरह गाइज अगर आपको मूवीज़ या फिर टीवी सीरीज वगैरह देखनी होती है तो उसके लिए आप फ्लिक्स फॉर यू इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। ये ऐप बिल्कुल ही फ्री है, इसके अंदर आपको लाइक यू नो हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ इवन आपको डब्ड में भी मिल जाएगी, हिंदी डब्ड में, और उसके अलावा साउथ एंड पंजाबी और भी बहुत सारी यू नो कैटेगरीज़ की मूवीज़ मिल जाएंगी। आप इसमें टीवी शोज़ भी देख सकते हो। इसमें कैटेगरीज़ में जाके जो भी आपको मूवी पसंद आए आपको सिंपली बस प्ले पे क्लिक करना है, कोई ऐड नहीं आएगी और सीधा जो मूवी है वो प्ले हो जाएगी। इसमें इवन कि आपको लॉगिन तक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट ये एक ट्रिक है जिससे आप अपने डिवाइस में फ्री फॉर्म जो विंडो मोड होता है उसे इनेबल कर सकते हो, जिससे आप इस तरह से यू नो डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस में मल्टीटास्किंग कर पाओगे। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शंस इनेबल्ड नहीं है तो आप अपने फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में जाओ, यहां से बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार टैप करो और आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा। अब डेवलपर ऑप्शंस में आने के बाद आपको दो ऑप्शंस को इनेबल करना है। पहला है फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रिसाइजेबल एंड दूसरा है इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज़। तो इसको आपको इनेबल कर देना है दोनों चीज़ों को एंड देन उसके बाद आपको अपना फ़ोन रिबूट कर लेना है। अब जैसे ही आपका डिवाइस रिबूट हो जाता है आप देख सकते हो कि किसी भी ऐप के रिसेंट मेन्यू में जाके जैसे आप इस पर होल्ड करके रखोगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा फ्री फॉर्म। अब इसको इनेबल करते ही आपका जो ऐप है वो फ्लोटिंग विंडो मोड में रन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अब आप मल्टीपल ऐप्स को इस तरह यू नो विंडो मोड में यूज़ कर सकते हो। जैसे हम कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे जैसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं उसी तरह से आप इन ऐप्स को फ्री फॉर्म में एक्सेस कर पाओगे, यानी कि इनके जो साइज़ वगैरह है उन्हें आप इस बॉक्स की जो साइज़ है उन्हें आप यू नो बड़ा घटा सकते हो, चेंज कर सकते हो और 2-4 ऐप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोई गेम हो गया या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऐप, आप उसे इस तरह से रिसाइज कर पाओगे फ्री फॉर्म मोड में, यानी कि अपने मुताबिक। अब गाइस ये जो फीचर है, ये जो एक्सपेरिमेंटल फीचर है, ये अभी सिर्फ एंड्रॉयड 10 के डेवलपर ऑप्शंस में अवेलेबल है, यानी कि अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे है तभी आपको डेवलपर ऑप्शंस में ये फीचर मिलेगा। तो अगर आप एंड्रॉयड 7 से ऊपर कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसमें फ्री फॉर्म मोड को इनेबल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है टास्क बार। ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें जाके फ्री फॉर्म विंडो मोड को इनेबल कर सकते हो और उसको करने के लिए बस आपको एक सिंपल सी यू नो ADB कमांड देनी है जो कि आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो और उसके बाद ये जो आपका फ्री फॉर्म विंडो मोड है ये आपके डिवाइस में इनेबल हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है जिससे आप मल्टीटास्क कर सकते हो फ्लोटिंग विंडो मोड में, जो कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हमेशा यूज़ करोगे, बट जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दैट वॉज प्रीटी मच इट गाइज। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके हैशटैग कम्प्लीटेड ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है। और गाइज जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसे इनेबल नहीं किया ना उसको प्लीज़ यार ऑल पे सेट करो ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की जो है ना नोटिफिकेशन आती रहेंगी। फिर लोग कहते हैं यार नोटिफिकेशन ही नहीं आई, पता ही नहीं चला मुझे वीडियो आ गई। और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बाकी लाइक कर देना यार अगर वीडियो पसंद आए तो, कमेंट करके भी बताओ कि कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।